क्या हाल है, कैसे आप सब। तो आज का व्लॉग इस लेपर्ड केस बॉक्स से स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे लगा था ये ईद के बाद पहुंचेगा, बट ये पहुंच गया है मेरा सामान। और अब इसको खोलते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बट जो है मैं दिखाती हूँ। तो ये सारा सामान निकला है, कि केसरिया की फ्रॉक है, ट्रक आर्ट, ये ऐसे बहुत प्यारी है ये। खैर नाल जा, खैर नाला, दिल मेरा 2 GB हुआ, मेरा 32 GB हुआ। क्यूट। बहुत प्यारी है ये पाकिस्तान फ्लैग, और काफी लॉन्ग भी है। यहाँ से टाइट हो जाती है, टेसल्स है साइड्स से, इसकी स्लीव्स है, इसका गला है। मैंने जब पहनूंगी आपको दिखाऊंगी फिर। ये मेरा हैंड बैग है, ये एजल के शॉर्ट्स, और ये ड्रेस, मुझे लगा था ये ब्लैक के बॉडी ब्लू है यार। ये भी मिनी माइनर से मैंने मंगवाए थे। और ये रहे मेरे शूज, जिस दिन मैं इधर आ रही थी उसी दिन मैंने शॉपिंग की थी, बट मेरे पास जगह नहीं थी इनको रखने की, तो मैंने पाकिस्तान में छोड़ दिया था इनको। ये इस तरह के, मैंने कभी ऐसे ओपन शूज नहीं पहने, पीछे फर्स्ट टाइम पहनूंगी, और अच्छे लग रहे हैं। मैंने पहने थे, अबू को भी अच्छे लगे थे, मम्मी को भी, और बे इंतहा सॉफ्ट है। ये भी दूसरा भी है, बहुत प्यार है इसका। मेरे हाथ का हाल देख यार। चले, तो ये रही शॉपिंग जो पाकिस्तान से आई है, और ये जब मैं पहनूंगी आपको दिखा दूंगी, और ये जब एजल को पहनाऊंगी फिर आपको दिखा दूंगी। ये ब्लाउज़ है और ये साथ में शॉर्ट्स, ठीक है। इसकी प्राइस है 1650 और इसकी प्राइस है 2050। चले मैं किचन में आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे ट्राई करने के लिए मैंने पहन ली केसरिया की फ्रॉक, साइडों से ऐसी है और अच्छी लग रही है, बट मुझे पता नहीं सिस्टर को कैसी आई होगी, वो तो हेल्दी है मुझे माशाल्लाह, क्योंकि काफ़ी टाइट है। अगर ये यहाँ से खुल जाए ना ये वाला, फिर सही रहेगा, पता नहीं, बट फ्रॉक तो अच्छी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। तो सारा दिन रेस्ट करने के बाद अभी 6 बजे मैं आई हूँ किचन में। सबसे पहले मैंने चावल बनानी है वाइट राइस दाल के साथ खाने के लिए, और उसके बाद आलू और प्याज के पकोड़े। तो जल्दी से मैं प्रेपरेशन कर लूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, 6 बज रहे। मैं अम्मी से बात कर रही थी तो मुझे याद ही नहीं रहा, अभी अचानक मुझे याद आया जब उनकी अफ्तारी का टाइम हो गया। तो जल्दी से मैं चावल बनाने की तैयारी करती हूँ पहले, फिर आपसे शेयर करती हूँ, ठीक है। तो वाइट राइस हमारे यहाँ पे बन रहे हैं, अब करते हैं पकौड़ों की तैयारी। ये ऐसे चिप्स की शक्ल में कटते हैं ये आलू, तो इनको मैं कंबाइन कर लेती हूँ जल्दी से, और इनको मैं ऐसे लंबा लंबा कट कर लेती हूँ। ये हमारे रोल समोसे, ये पकौड़ों का मिक्सचर तैयार है। इसमें मैं भी पानी नहीं डालूंगी, क्योंकि मैंने नमक डाला है, तो अभी वेजिटेबल्स
जो आलू और प्याज है वो अपना पानी छोड़ देंगे, उसके बाद मुझे अंदाज़ा होगा। और इधर राइस को मैंने दम पे रख दिया है, तो अब मैं मिलती हूँ 10 मिनट्स के बाद। ठीक है, अभी 6:20 हो रहे हैं तो 6:30 में आती हूँ किचन में दोबारा से। ठीक है, और हाँ ये देखिए न्यू एडिशन शॉपर डिस्पेंसर भी लग गया हमारा, अच्छा लग रहा है ना, लाइक मैसी सा लग रहा है, बट ये सारे शॉपर कबर्ड में पड़े होते थे तो अब बेहतर है। इधर रख दिए जाए, बहुत अच्छा है वैसे ये, काफ़ी बड़ा भी है स्पेशियस। चलिए जाती रूम में। यार मुझे अभी याद आया, 2 दिन पहले मैंने ये पेस्ट बनाया था जो मैंने यहाँ रख दिया था, अल्लाह इसको मैं निकालना भूल गई थी। अभी मैं फ्लैश ऑन है, मैं ये ऑफ करती हूँ पहले। हाँ तो अभी मैं हस्बैंड से ऐसी बात कर रही थी शेक्स के बारे में, मुझे ये याद आया है। चलिए इसको ज़िपलॉक बैग्स में डाल दूँ मैं सबसे पहले, ठीक है। चावल भी आई थिंक बन गए हैं, और बस तैयारी स्टार्ट करती हूँ पकौड़ों की। ठीक है, ये देखिए इतने सारे क्यूब्स, बस अब जस्ट मैंगोज आने की देर है, जब मैंगोज आएंगे तो सुबह शाम दिन रात शेक 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 शेक। इसको यहाँ पर रख देते हैं और दोबारा से जाते हैं किचन में। ये देखिए कितने मज़े के राइस तैयार हुए हैं हमारे, और अब करते हैं पकौड़े फ्राई। अस्सलाम वालेकुम, तो इफ्तारी करने के बाद अभी हम आए हैं PCR टेस्टिंग के लिए, क्योंकि हाँ हर 14 डेज बाद आपको PCR कराना पड़ेगा। ये मुसफ़ा एरिया है, पता नहीं किसकी गाड़ी, इंटेलिजेंस की है किसकी ऐसी गाड़ियाँ पाकिस्तान में इंटेलिजेंस की होती है। तो अभी मेरा हो गया, अब हस्बैंड करवा रहे हैं, तो मैं इधर ऐसी घूम फिर रही हूँ, फिर जाती हूँ गाड़ी में बैठती हूँ। ठीक है, ये है टेस्टिंग सेंटर, ये फैमिली एंट्रेंस है ये वाली, और ये मेल की है। ये देखिए, ये मैंने नई जगह डिस्कवर की है, डिस्काउंट गिफ्ट शॉप, और इतना बड़ा है ये, तो आज पहली दफ़ा जा रहे हैं अंदर। यार ये देखिए इतना सस्ता है कोई, यार मैं क्या बताऊं, और इतना बड़ा इतना प्यारा, ये देखें ज़बरदस्त यार। क्रॉकरी साइड पे जाते हैं, ये इंटीरियर देखिए जस्ट, पाकिस्तानी भाई इट इज सो क्यूट, मैं सम कैट्स यार, बहुत क्यूट चीज़ें हैं यार, मैं क्या करूँ। ये देखिए इसमें ब्लैक भी है, ये मार्बल ग्रीन भी है, ये बहुत प्यारी चीज़ है, बिल्कुल यूनिक। ये ग्लासेस कितने मज़े के हैं, ये ग्लासेस नहीं है एश ट्रे हैं, बट ये स्मोकिंग नहीं करते यार, आजकल के ज़माने में स्मोकिंग नहीं करते, सोचे ज़रा कौन करता है ऐसे। ये देखिए कितनी क्यूट है, ये आई थिंक ग्रीन ठीक है, बहुत क्यूट जगह है। हाँ जी, तो घर हम आ गए हैं, थोड़ा बहुत सामान लाए हैं, एक ही शीट लाई है जो मेरे किचन के काउंटर टॉप पे लगी हुई है, मैं दिखाती हूँ, तो शायद अगर वो ख़राब हो गई तो उसको एक्सचेंज करने के लिए, क्योंकि ये मुझे बहुत पहले लेना था पर ये वाला टेक्सचर और डिज़ाइन, बट मिल नहीं रहा था, तो अभी मिला है तो हस्बैंड ने कहा कि नहीं ले लेते हैं रख देंगे। और ये पैम्पर्स लिए ट्राई करने के लिए इनके, तो देखते हैं कैसे होते हैं। ये है हस्बैंड की करेक्शन टेप, 2 करेक्शन टेप है, और ये देखें ये जब हम छोटे थे ना मेरे अबू लाया करते थे, ये फिंगर में डाल के लॉलीपॉप होती है, तो अब भी मुझे नज़र आई है तो मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं दोबारा से पुरानी आदत।
तो मैं आपको दिखाती हूँ वो काउंटर टॉप। ये वाली, ये शीट हमने यहाँ स्मार्ट सी ली थी, तो यहाँ पे देखिए ख़राब होना स्टार्ट हो गई है, कट्स वगैरह लग गए हैं। अभी तो फ़िलहाल बहुत अच्छी है, बहुत ठीक है, इसको फ़िलहाल चेंज नहीं करना, बट कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाएगी तब। तो अभी ये ली है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, इसके साथ भी मैच हो रही है देखें। तो चलिए मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ, खाना गर्म करते हैं क्योंकि लेट हो गया, 11 बज रहे हैं और दाल को भी गर्म करना है। चलिए मैं खाना गर्म करती हूँ, हम डिनर करते हैं, ब्लॉग को एंड करती हूँ, इजाज़त चाहिए, दुआ में याद रखिए, ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।